काबिले एहतराम जनाब डीआईजी साहब जी एस के रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम में यहाँ बैठा होने पर खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको ये पता है कि आज का ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं एस पी रूलर दीगर पुलिस अफिसरान जो कि आज इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सलाम। मैं मोहम्मद बैठे हुए हजरात उनके साथी के जो है आज का ये सॉन्ग है इसको जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वाह क्या बात है, पुलिस का काम कर रही है सर जी, पर लोके भी चाहिदा कि थोड़ा अवेयर होना है, लोके समझे पुलिस की गल बात समझे। एक चिट्टा जेड़ा है साढ़े नौजवान वास्ते इधर जहर बन चुका है। एक गल सही आपकी मास्टर जी, कल भी एक बड़ा चिट्टा लाने का मन हो गया, नहीं बड़ा धूप लगी उस नौजवान उनको एक ऐसा समाज से सामना नौजवान नहीं चिट्टे को बदलाव किया। पंडित जी कल तुम्हें पुलिस उन्होंने एनकरेज किया एक एसपीओ को जिसको आज आप वर्दी में एसपीओ देख रहे हैं गौरव शर्मा। मैं आपको और सभी ऑफिसर्स को बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जब एमएम कॉलेज में थे गौरव शर्मा जी तब से टीम जम्मू के साथ जुड़े एज ए वॉलंटियर और हमारे हर प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की और कहीं ना कहीं जब ये जेएनके पुलिस में एज एसपीओ गए तो जो हमारी लड़ाई टीम जम्मू की पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू खित्ते में है ड्रग अब्यूज के खिलाफ ड्रग माफिया के खिलाफ इन्होंने उसको जारी रखा और आज एक एल्बम के रूप में आपके सामने इन्होंने दिखाया और मुझे लगता है कि जैसे ये लॉन्च हुई है तो आने वाले समय में ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा देश देखेगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ अपना फर्ज नहीं निभा रही, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रही, सिर्फ ड्रग माफिया पे धरपकड़ नहीं कर रही, लेकिन समाज में किस तरह अवेयरनेस वर्दी के अलावा भी हो सकती है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एक नौजवान गौरव शर्मा ने यहाँ इस हॉल में आज बताया है। हमें गर्व है कि गौरव शर्मा एक समय से टीम जम्मू के साथ जुड़े थे और जिस तरीके से प्रेस बंधुओं ने भी देखा, आप सबने देखा है कि किस तरह सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज डेथ्स की हम बात करते हैं, बड़ी अलार्मिंग पोजीशन जैसे कि ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड डीआईजी साहब ने अपने एड्रेस में बताया कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्पेशली इन जम्मू एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट। हमारी सर कुछ सजेशंस हैं क्योंकि आज के इस मौके पे एसएसपी साहब भी यहाँ पे हैं और डीआईजी साहब भी हैं और तमाम एसएचओज और सब डिवीजन ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि अगर सरकारी आंकड़े देखे तो सरकारी आंकड़े आपको देखने में नहीं मिलेंगे, लेकिन टीम जम्मू का जो सर्वे है जिसको कभी भी सरकारी मोहर नहीं लग सकती क्योंकि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, लेकिन अगर हम पिछले 7.5 से 8 महीने का आंकड़ा सिर्फ 75 वार्ड जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में देखें तो बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कितने सौ मौतें हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट हर वार्ड में 3 से 4 सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज की डेथ्स हुई हैं और जिसका मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराऊं तो पूरे समाज को ठहराऊंगा, पेरेंट्स को ठहराऊंगा, उस नेबरहुड को ठहराऊंगा, कहीं ना कहीं पुलिस भी उसका हिस्सा है, लेकिन हम हर चीज सिर्फ पुलिस पे थोप दें और अपनी जिम्मेवारी से परे हो जाए मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा करना चाहिए। और आज वो वक्त है, मेरा ये मानना है
कि ये जिस चीज को कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंट में भी देखें तो किसी एक का बच्चा ड्रग विक्टिम बनता है तो हम कह देते हैं कि पेरेंट्स देखें, लेकिन टीम जम्मू का यह मानना है कि पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है जब उन्होंने प्रॉक्सी वॉर और मिलिटेंसी शुरू की 89-90 में, तो आज 30-32 साल में वो कामयाब नहीं हुए हैं हमारी राष्ट्रवादी अवेयरनेस के ऊपर। ये हमारी जीकेएस रेंज की तरफ से है, तो मैं चाहता हूँ इसको पब्लिक में स्प्रेड करिए ताकि हमारा जो नौजवान इसको पढ़े और उसमें देखे कि हमने जो इंस्ट्रक्शन है वो दी गई है। आज के प्रोग्राम में आए हुए हमारे टीम जम्मू के जोरावर सिंह जी, एसएसपी जम्मू ब्रजेश, एसपी रूरल, एसडीपीओ गांधीनगर कार्तिक, एसडीपीओ आरएसपुरा, सभी इंस्पेक्टर साहिबान, मीडिया से आए हुए हमारे दोस्त जो कि हमेशा फील्ड में रहते हैं। आज का प्रोग्राम जो है, जो गौरव शर्मा जी हमारे एसपीओ हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके और उनके दिल में ख्याल आया कि मैं ड्रग अवेयरनेस के ऊपर एक सॉन्ग रिलीज करूं, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने उस गाने को एक लोकल लैंग्वेज में डोगरी में इतने बेहतरीन तरीके से बनाया है कि उसका मैसेज साफ साफ जो है वो पब्लिक तक पहुँचता है कि कैसे ड्रग्स जो है वो हमारे नौजवान जो यूथ है, हमारी जो नौजवान बच्चे जो हैं वो कैसे खराब कर रहे हैं, कैसे वो ड्रग्स की लत में जा रहे हैं और अपने जो जिंदगी से है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस गाने का जो है फॉर्मल लॉन्च किया गया, ये गाना जब पब्लिक में जाएगा, जब बच्चों तक पहुंचेगा, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज उनको कन्वे होगा। तो ड्रग की खिलाफ जो हमारी जम्मू कश्मीर की लड़ाई जो है, इसमें हम हर एक तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं, FIR लग रही हैं, PSAs हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज अटैच हो रही हैं, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया, जिसमें आपका मीडिया का मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं, कई बार आपकी तरफ से ही हमें रिपोर्ट, जैसे हमने मेंशन किया कि कहीं ड्रग का कारोबार हो रहा था तो आपने वीडियो बनाई हमें भेजी और उसके एक्शन हुआ, आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं। तो आप भी पब्लिक का, समाज का एक हिस्सा है, हम सब जो जम्मू शहर में रह रहे हैं या इस सिटी में रह रहे हैं, सिटी को कैसे ड्रग फ्री बना सकते हैं, तो हमें मिलकर साथ चलना होगा। उसके लिए अवेयरनेस जो है एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो ड्रग पेडलर्स जो है एक नार्को टेररिज्म काम कर रहा है, हमारे जो यूथ है उसको खोखला कर रहा है, क्योंकि अगर यूथ कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। तो हम चाहते हैं कि यूथ को बचाया जा सके और ये लोग जो हैं हर उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, हम स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ तक पहुँचे, इवन के कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमने देखा कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस कर रही है, वहाँ बच्चे काफ़ी अच्छे ग्रुप से पढ़ने आते हैं, तो वहाँ भी हम अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोग जो है हमारा जम्मू शहर जो है इस चीज़ से बचा रहे, ड्रग्स से बचा रहे। तो ड्रग्स धीरे धीरे कैसे आपकी ज़िंदगी तबाह करता है, एक बार कहते हैं कि हाँ अगर किसी को चाय पीने की लत लग जाती है वो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ड्रग्स की अगर लत लगी तो वो जब तक उसकी जान नहीं चली जाती तब तक